सो अगर कैसे यहाँ पे मेरे चैनल के नाम पे ऑल सब्सक्राइबर होगी तो आपको पता होगा कि मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पे आप जो एक प्रोफेशनल फाइल अपलोडिंग वेबसाइट बना सकते हो लाइक ड्रॉप गैलेक्सी, बल्कि मेनली PPT वेबसाइट कैसे बना सकते हो वो मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने अभी उस इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले उसको देख लेना। इस पर मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताया कि आपको क्या क्या चीज़ों की जो है नीड होती है, जो कि 3 महीने पहले पाया था एंड आप बोलोगे इसका ये नेक्स्ट पार्ट इतना लेट क्यों आ रहा है। सो मैं यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ों में जो है बिजी था, वैसे मैं अभी भी यहाँ पे मेरा शेड्यूल जो है बिजी चल रहा है एंड अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल से टाइम निकाल रहा हूँ। एंड अगर आप जो है मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करते होगे तो व्हाट्सएप में मैसेज करते होगे तो आपको पता होगा कि आजकल यहाँ पे मैं रिप्लाई देने में काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी चल रहा है। तो जैसे मेरा शेड्यूल सही होता है तो मैं यहाँ पे कुछ जो है पहले की तरह जो है रिप्लाई जो है दे दिया करूँगा। सो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि हम याटी से एक स्क्रिप्ट पे यहाँ पे बनाने वाले साइट को, तो इस स्क्रिप्ट को आप 700 रुपीज़ में माइडिस्टर कार्ड से परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सिंगल डोमेन आपको लाइसेंस मिलेगा एंड आप मेनली बात जो आपको चाहिए एक PPT प्लगइन को फ्री मिलेगा मॉडिफाइड वाला एंड सेफली इंटीग्रेशन चाहिए होगा। तो अगर आप जो है माइडिस्टर कार्ड से लेते हो तो आपको ये दो चीज़ें जो है फ्री मिल जाते हैं, मतलब आपको कस्टम जो है पे करना पड़ता है इसका अलग से, आपको जो है बाय करना पड़ता है। तो सिंपल से यहाँ पे कैसे आपको स्क्रिप्ट की जो है नीड होगी, सो आप 700 रुपीज़ में यहाँ पे याटी से की जो स्क्रिप्ट है यहाँ से परचेज कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें है यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पे जो है बताया था तो मेक श्योर आप उसको यहाँ पे देख लो। सो सिंपल से आप जब स्क्रिप्ट को जो है परचेज करोगे आपको सिंपल से एक जिप फाइल मिलेगा, इसका आपको एक्सट्रैक्ट करना है एंड एक्सट्रैक्ट करने का आपको एक फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको लाइसेंस की मिलेगा, मॉडिफाइड स्क्रिप्ट कोड मिलेगा, याटी से का स्क्रिप्ट मिलेगा एंड काफ़ी सारे यहाँ पे आपको प्लगइन जो है फ्री मिल जाते हैं। मेनली यहाँ पे रिवॉर्ड प्रोग्राम का जो ये प्लगइन है मॉडिफाइड वाला ये आपको जो है नीड होगा। सो हम सिंपल से इस वीडियो में यहाँ पे स्क्रिप्ट को यहाँ पे सेटअप करेंगे एंड इसके जो है प्लगइन को जो है इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले कैसे यहाँ पे हमको एक जो है डोमेन की नीड पड़ेगी जो कि होस्टिंग से जो है कनेक्ट हो, तो जो होस्टिंग मैं यूज़ करूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो होस्टिंग जो है बाय कर सकते हो। सो देखोगे सिंपल से मेरा एक फ्रेश डोमेन है अपलोड टू @dorexpert जो कि एक ऐसे डेमो का साइट है, तो इसी पे यहाँ पे मैं अभी साइट को जो है सेटअप करने वाला हूँ। पर सेटअप को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आपको पता ही है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आएगा उसको दबा दो, बेल आइकन करो ऑल कर लो ताकि तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले आ सके। सो चलो फिर आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सिंपल से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने होस्टिंग के आपको cPanel बनाना है, cPanel बनाने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो सेटिंग मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको 100 हिडन फाइल्स को यहाँ पे सेव करना है सेटिंग को, ताकि यहाँ पे आपको हिडन फाइल भी जो है दिखाई दे। उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर आप होम डायरेक्टरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक पब्लिक स्टेटमेंट मिलेगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कोई भी जो है फाइल यहाँ पे ऑलरेडी ना हो, जैसे कि मेरे यहाँ पे फोल्डर है तो हम उसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने में आपको भी यहाँ पे जो डायरेक्टरी है यहाँ पे एम्प्टी होनी चाहिए, उसके वजह से आपको अपलोड करना है एंड अपलोड क्या करना है, ये जो आपको स्क्रिप्ट मिला है इसको आपको अपलोड करना है। सो जो स्क्रिप्ट रहने वाला है वो यहाँ पे थोड़ा हैवी है तो यहाँ पे इसका साइज जो है ज़्यादा है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है इसको अपलोड होने के लिए। सोगे जो हमारे यहाँ पे याटी से का स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे cPanel में जो है अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद जैसे यहाँ पे आपको गो बैक पे क्लिक करना है। सो उसके बाद सिंपल सा जो आपको ये फाइल दिखाई दे रहा है इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है इसे। सो जैसे आप यहाँ पे फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ पे आप वेट करते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जैसे आपको इसे क्लोज करना है एंड अपने डोमेन को यहाँ पे रिफ्रेश करना है। सो जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो ये डेटाबेस एरर बोलेगा, तो बस आपको क्या करना है अपने डोमेन के लास्ट में यहाँ पे को स्लैश जो है इंस्टॉल करना है, तो जस्ट यहाँ पे मैं इंस्टॉल लिखता हूँ।
सो जैसे ही यहाँ पर आप स्लैश जो है इंस्टॉल लिखोगे तो यहाँ पर आपसे ये PHP वर्जन जो है चेक करेगा एंड जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करेगा कि यहाँ पे सही है क्या नहीं। तो देखो हमारी सारी रिक्वायरमेंट सही है, आपकी भी यहाँ पे होनी चाहिए। फिर जैसे आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से आपसे लाइसेंस की मांगेगा, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस की जो है लिखना है। तो लाइसेंस की आपको इस जिप फाइल में मिलेगा, यहाँ से जैसा आप कॉपी कर लो इसे, मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लाइसेंस की को जो है पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने में आपको डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट डालना है एंड डेटाबेस नेम डालना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये आपको सीपीएल से मिलेगा जैसे आपको MySQL डेटाबेस विजार्ड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कोई भी जो है डेटाबेस जो है क्रिएट करना है। जैसे मैं PPDX के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं जो है PPDX डालूँगा और पासवर्ड जो है वो यहाँ पर हम जनरेट कर लेंगे। तो कोई भी पासवर्ड लेते हैं, कॉपी करते हैं, आई हैव कॉपी पासवर्ड एंड सेव। तो इसे यूज पासवर्ड करते हैं, क्रिएट यूज़र। यूज़र क्रिएट होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इधर पेस्ट कर देते हैं। सो पासवर्ड यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस जो डेटाबेस का यूज़र है एंड जो डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पे दोनों सेम डाला था मैं, तो दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे एक को भी कॉपी कर लूँगा चलेगा। अगर आपको अलग अलग है तो आप दोनों को कॉपी कर सकते हो। तो मैं एक को कॉपी करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे सारे परमिशन से देख के मेक चेंजेस कर दूंगा। सो उसके बाद यहाँ पे भी आपको यूज़र एंड डेटाबेस नेम दिखाई दे देगा। तो मेरा तो दोनों सेम है तो मैं जैसे यहाँ पे डेटाबेस नेम में डालूंगा इसे एंड यूज़र नेम में डालूंगा। उसके बाद आपको टेस्ट कनेक्शन करना है। अगर आपको कैसे ये सक्सेस हो जाता है, मतलब कि आपने सारी चीज़ें जो है सही करी है, उसके बाद कैसे यहाँ पे आपको एडमिन यूज़र सेलेक्ट करना है। तो एडमिन का यहाँ पे मैं यूज़र जो है एडमिन डालूंगा एंड पासवर्ड यहाँ पे मैं ये डाल दूंगा। उसके बाद जैसे आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपको लाइसेंस की वगैरह सब सही रहा तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड जस्ट उसके बाद आपको ये बोला जाएगा कि यहाँ पे आप जो है इसको जो है डिलीट कर दो इंस्टॉल फोल्डर को। तो जस्ट सीपीएनएम में जाते हैं, इंस्टॉल को यहाँ पे जो है डिलीट कर देते हैं। सो देखो डिलीट हो गया। उसके बाद जैसे आप अपनी साइट को अगर आप विजिट करके देखोगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट जो है दिखाई देगा। सो कोई देख सकते हो याटी से इंस्टॉल होने के बाद आपका साइट कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो अभी आप देखोगे तो नॉर्मल आपको यहाँ पे एक फाइल अपलोडिंग साइट दिखेगा, जैसे कि मीडिया फायर हो गया, मैक हो गया, वैसे ही नॉर्मली है। कोई अभी इसमें पेपर डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो उन सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमको जो है एक तो PPD प्लगइन जो है इंस्टॉल करना पड़ता है एंड इस साइट से यहाँ पे अर्निंग कर लेंगे, एडसेंस यूज करने के। यहाँ पे हमको जो है सेफलिंक इंटीग्रेशन जो है करना पड़ता है, जो कि मॉडिफाइड स्क्रिप्ट कोड आपको जो है मिलता है जब आप स्क्रिप्ट को परचेज करते हो, उसका यूज़ करके आप वो सब जो है कर सकते हो। सो इस वीडियो में आपको वो सब यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाने वाला एंड अभी के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो मेंबरशिप सेल कर सकते हो, उसमें रजिस्टर का मिल जाता है, रिपोर्ट फाइल एंड लिंक चेकर एंड API एंड इसका कैस मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप गैलेक्सी ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हम इनकी सिमिलरिटी देखना, मतलब कि ड्रॉप गैलेक्सी मना तो यहाँ पे X-File शेयरिंग स्क्रिप्ट है पर याटी से बिल्कुल वैसा ही स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखो लिंक चेकर इसमें भी मिल जाता है, API इसमें भी मिल जाता है, बाकी ये इंपॉर्टेंट पेजेस पे इन्होंने अलग से क्रिएट करे एंड लुक भी आप देखोगे तो डिफरेंट है। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसके लिए कस्टम थीम जो है बिल्ड करूँगा, जो कि इसे थीम उस थीम को इंस्टॉल करने के बाद अभी के लिए आपको ये बिल्कुल भी लग रहा नहीं होगा अगर साइड ये PPD वेबसाइट का साइड है, पर जैसे ही मैं इसमें थीम जो है बिल्ड करके इंस्टॉल करेंगे हम तो हमारा जो साइड है बिल्कुल यहाँ पे बाकी साइड की तरह देखने को मिलेगा PPD का। सो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा थीम जो है देखने को मिल जाता है। सो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम PPD प्लगइन सेटअप करेंगे। सो अगर देख सकते हो तो मैंने जो अपने स्क्रिप्ट जो है डाउनलोड करा उसका फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लिए एंड यहाँ पे देखोगे तो प्लगइन्स के अंदर आपको यहाँ पे जो रिवॉर्ड प्लगइन मिल रहा है मॉडिफाइड वाला, इसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबका जो डोमेन है उसको यहाँ पे आपको स्लैश लगाना है उसके बाद एंड जैसे आपको एडमिन लिखना है, एडमिन लिखने के बाद जैसे आपको एंटर प्रेस करना है एंड जो भी अपने इंस्टॉल करते समय जो है डिटेल्स डालता उसको यूज करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। सो अभी के लिए यहाँ पे जो इंटरनेट है वो यहाँ पे थोड़ा स्लो चला है, तो देखोगे लोड हो चुका है एंड जस्ट यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। सो लॉगिन करने में आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एडमिन यूज़र बता देगा कितने हैं, टेम्प यूज़र कितने हैं, ये सब यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हो एंड फाइल्स भी जाके आप माइनस कर सकते हो फाइल जो भी अपलोड करा यूज़र। अगर आपको लगता है कि वो जो है इल्लीगल चीज़ है आपके स्टोरेज सर्वर को दिक्कत दे सकते हैं तो अब यहाँ से जो है उसे डिलीट भी कर सकते हो एंड यहाँ से यूज़र रहेगा एंड यहाँ पे रिसीव्ड पेमेंट दिखा देगा कि जिन्होंने भी मेंबरशिप बाय करा वो सब दिखाएगा
क्योंकि पीवीडी ऑप्शन अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो पीवीडी ऑप्शन ऐड करने के सिंपल से आपको प्लगइन्स मिलेगा जैसे कि वर्डप्रेस में होता है, एंड यहाँ पे आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई आपको वर्डप्रेस के तरह ऑटो नहीं मिलता कि आप डायरेक्ट डिवाइस इंस्टॉल करवाओ। सो जैसे ही यहाँ पे आप जैसे ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है कुछ ऐसा पेज आएगा जहाँ से यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है इस प्लगइन को यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है इंस्टॉल कर सकते हो। पर अगर ये प्लगइन जो है मॉडिफाइड है तो इसको यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको सी पैनल में आना है। सी पैनल में आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिक इस्तेमाल में आना है एंड प्लगइन के अंदर जाना है। एंड यहाँ पे जस्ट जो प्लगइन हमने डाउनलोड करा है ये वाला, इसको अपलोड करना है। तो ये तो नीचे डाउनलोड हो गया, तो हम यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। एक बार ये यहाँ पे स्कैन हो जाए, सो स्कैन हो चुके अब हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद जस्ट हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हो गया एंड देखोगे तो यहाँ पे रिवर्ट्स आ चुके हैं। एंड हम इस प्लगइन में यहाँ से जो है डिलीट कर देते हैं ताकि स्पेस यहाँ पे बेफालतू में यूज़ ना हो। एंड जस्ट फिर उसके बाद आपको मैनेज प्लगइन पे जाना है। मैनेज प्लगइन में जाओगे तो यहाँ पे आपको रिवर्ट जो है प्लगइन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा यहाँ पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। सो जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो जो आपके प्लगइन है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यहाँ से आप इसको एनेबल कर सकते हो। मिनिमम पे आउट आपको क्या देना है, क्या आपको मंथली पेमेंट डेट रखना है एंड काफ़ी सारे जो है सेटिंग्स है एंड पेमेंट मेथड यहाँ पे आप पेटीएम यूपीआई वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखोगे तो आपको एक रिवॉर्ड्स नाम का एक नया जो है सेक्शन आ जाता है, जहाँ से आप ओवरव्यू से चेक कर सकते हो कि यूज़र को आपने कितना पे करा एंड क्या सब है। एंड यहाँ पे रेफरल का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड डाउनलोड्स का भी मिल जाता है। पर ये स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ये व्यू जो है काउंट नहीं करेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको क्रोम जॉब जो है सेटअप करना पड़ता है। सो वे सिंपल से यहाँ पे आपको जो है साइट कॉन्फ़िगरेशन में आना है एंड सिस्टम टूल में यहाँ पे आपको जो है एक बैकग्राउंड टास्क लॉक मिलेगा। यहाँ पे जैसे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्रोम जॉब जो है दिखाई दे जाएगी। तो कुछ यहाँ पे कितने क्रोम जॉब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कुछ कैसे यहाँ पे 8 क्रोम जॉब है। तो आपको यहाँ पे 8 के हट को जो है सी पैनल में ऐड करना पड़ेगा जब यहाँ पे जॉब का रिवॉर्ड प्लगइन है वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करेगा। तो काफ़ी लोगों की दिक्कत आता है कि यहाँ पे उनका जो व्यू है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। तो व्यू नहीं काउंट होने का सिंपल सा रीज़न ये होता है कि हमने क्रोम जॉब यहाँ पे ऐड नहीं करा होता है। तो कैसे ऐड करते हैं उसके लिए जैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सी हेयर मिलेगा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर सकते हो एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे को क्या चीज़ कॉपी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब सबसे पहले आपको ऐप्स लेकर टास्क के स्लैश तक यहाँ पे जो है इतना कोड कॉपी करना है जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सी पैनल में आना है एंड यहाँ पे को जो है क्रोम जॉब में जाना है। सो क्रोम जॉब ये रहा, यहाँ पे हम जाते हैं। जाने के बाद आपको इसे पेस्ट करना है जो मैंने आपसे कॉपी करवाया था। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी क्रोम जॉब ऐड करना है उसका जैसे आपको फाइल का नेम जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे को जो है पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ के आगे जो है एक कोड डालना पड़ेगा जो कि आपको ऊपर मिलेगा। जैसे आपको इसे पब्लिक एचटीएमएल तक आप कॉपी कर लो, हो सकता है मल्टीपल डोमेन यूज़ करते हो तो आपको पब्लिक एचटीएमएल की जगह अपना डोमेन डालना पड़ेगा। तो मेरा मेन डोमेन है तो मैं जस्ट इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको एक क्रोम जॉब का जो है कोड तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटो क्या लिखा है, ऑटो जो भी इसका क्रोम जॉब का नाम है। जस्ट आप इस नेम को कॉपी करो, इधर जाओ कंट्रोल एफ प्रेस करो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला क्रोम जॉब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। सो सिंपल से कैसे इसको फाइंड करने का, यहाँ पे जो इसके आगे का कोड है आपको इसको देखना है, जिसके यहाँ पे 2x0 है एंड 3x स्टार है। तो जैसे आपको इधर आना है एंड कॉमन सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको उसी चीज़ को यहाँ पे फाइंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 2x0 तो यहाँ पे हम देखते हैं। सो देखोगे यहाँ पे जो है 2x0 है एंड 3x स्टार है। तो जैसे हम इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ऐड न्यू क्रोम जॉब पे क्लिक करेंगे। सो ये करने में आपका क्रोम जॉब जो है ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सो इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है सारे क्रोम जॉब जो है ऐड करने हैं। तो मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके सबको ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने सारे क्रोम जॉब को जो है ऐड कर दिया है। बाकी यहाँ पे आपको एक क्रोम जॉब देखने को मिलेगा जो कि रहेगा प्लगइन टास्क डॉट क्रोम डॉट पीएचपी। तो इसमें कैसे आपको 1 पर 5 मिनट करके जो है इसे ऐड करना पड़ेगा। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में इसका कोड नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी को आप सेलेक्ट करके इसे ऐड कर सकते हो। तो ये सब होने के बाद यहाँ पे जो आपका क्रोम जॉब है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मेन जो हमारा चीज़ रहता है वो रहता है
मॉडिफाइड स्क्रिप्ट कोड को सेटअप करना। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको जो है एक सेफलिंग की जो है नीड होगी। सो सेफलिंग यहाँ पे आप ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हो, WP सेफआईडी भी यूज़ कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स आते हैं, बस जिसमें यहाँ पे परमा लिंक का ऑप्शन हो, जिसको मतलब कि आपको थोड़ा बहुत उस प्लगइन के बारे में पता हो कि रीडायरेक्शन के टाइम उसका आप क्या URL डालते हो। तो इसी को यूज़ करके यहाँ पे आप जो है मॉडिफाइड स्क्रिप्ट कोड को यूज़ करके उसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे मुझे जो है एक वर्डप्रेस साइट चाहिए होगा जिसमें सेफलिंक इंस्टॉल होगा, तो वो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी एक वर्डप्रेस साइट नहीं है जिससे यहाँ पे मैं इसे इंटीग्रेट कर पाऊँ। सो जो मॉडिफाइड स्क्रिप्ट कोड है उसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे एक वर्डप्रेस साइट का नीड होएगा मुझे जिसपे कि यहाँ पे सेफलिंक जो है इंस्टॉल हो। तो मैं एक साइट को यहाँ पे रेडी करूँगा अभी एंड उस पर सेफलिंक जो है सेटअप करूँगा, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इस पर जो है इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। सो बस आज की वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।